हेलो, आज मैं आप सभी को अपने स्टूडियो का टूर देने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते। सबसे पहले एक ये छोटा सा टेबल है और उसके ऊपर एक बड़ा सा टेबल है जिसमें अपनी ड्राइंग करता हूँ। साइड में मैंने एक डस्टबिन टाइप का बना रखा है जिसमें अपने डस्ट फेंकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा रख रखा है एंड दिस इज अ रैक जिसमें मेरे कुछ सामान रखे हैं। मेरा कुछ सामान है और कुछ नहीं है बाकी। अगर आप इधर साइड है तो इधर है मेरी कुछ बुक्स, आपके आप देख सकते हो। ये मेरी एक फाइल है जिसमें मेरे कुछ शीट्स रखी रहती है। ये एक ड्राइंग बुक है और इसके नीचे भी एक ड्राइंग बुक है, नीचे भी एक ड्राइंग बुक है। ये शीट्स से ये भी ड्राइंग बुक है। इसमें मेरी ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, सॉरी हाँ गलती से आ गया। और हाँ मैं क्या कह रहा था, ये भी एक ड्राइंग बुक है, उसके नीचे भी एक फोल्डर है जिसमें मेरी ड्राइंग्स है। उसके बाद अगर हम इधर आए तो हमारा एक स्विच बोर्ड है जिससे अपनी ये लैंप की तार कनेक्ट है। इधर अपने कुछ आप देख सकते हो जो है पेंसिल्स वगैरह है, ये पिक है वाटर के लिए। यहाँ पे मेन बटन है स्विच बोर्ड का जिससे हम अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड ये अपना लैंप है जिससे मुझे लाइट्स मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ये पेंसिल की ऐसे जिसमें मेरे सारे पेंसिल्स हैं। इसमें भी मेरे सीजर्स हैं, पेंसिल कलर हैं, कुछ स्पार्कल पेंस हैं एंड इसमें मैं वैसे ही सामान रखता हूँ कुछ। इसके बाद ये एक ऐसी डेकोरेशन के लिए है। उसके बाद ये है पेंसिल सॉरी स्केच कलर्स एंड इसके बाद इरेजर्स हैं, चाको पेंसिल है, ग्लिटर है, ये वार्निश मैंने स्प्रे टाइप का बनाया था ड्राइंग के लिए, सॉरी वार्निश गलती बोल के, और ये ग्लू है एक। उसके बाद ये डस्टबिन टाइप का है छोटा सा, और ये है मेरी तीन ज्योमेट्रीज जिसमें सामान रखा है, और ये मेरी रबड़ है। इस ज्योमेट्री के अंदर मैंने ब्लेंडिंग स्टोन्स रखे हैं। दिस ये एक ऑर्गेनाइजर है जिसमें मेरे सारे टिश्यूज वगैरह रखते हैं ब्लेंडिंग के। एंड दिस इज माई वन मोर ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैंने पिकल चिप्स के, जिसको मैंने चिप्स के बॉक्स से बनाया था जो कि अब पता होगा आते हैं, तो ये है। एंड इसमें मैं अपने सारे ब्रशेज वगैरह रखता हूँ। उसके बाद साइड में मेरी एक ये टेप है एंड ये मेरा आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक लाइट का सोर्स है जो कि मैंने अपनी स्टूडियो के लिए लाइट बना रखी है, स्टूडियो लाइट आप बोल सकते हैं इसको। एंड आगे से आप देख सकते हैं कैसी दिखती है। तो बस इतना ही था मेरे मेज मेरे मतलब टेबल वाले एरिया पे, और आप ऐसे एंगल पे देखते हो वीडियोस को। एंड मेरे को कोई ट्राइपॉड नहीं है, मैं ऐसी जुगाड़ से वीडियो बनाता हूँ। अगर आप चाहते हो मैं आपको जुगाड़ बताऊँ तो उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट जरूर से करना। उसके बाद गाइस हमारी ऊपर की वॉल कुछ ऐसी है, मैंने अपनी कुछ डेकोरेशन मटीरियल यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वगैरह के मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है, लिख रखा है। यहाँ पे मेरी एक ड्राइंग है, उसके बाद कुछ रूल्स है जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद सिद्धू मूसेवाले की ड्राइंग, बुद्धा की ड्राइंग, मदर टेरेसा का, और ये मैंने ऐसी बना रखे सजाने के लिए। एंड ये मैंने लगा रखे सजाने के लिए। एंड दिस इज माई मेन बोर्ड जहाँ पे हमारी ब्लैक बोर्ड होती है। तो गाइस गाना मैंने पहले ही कह दिया था बहुत सिंपल है, तो इतना सही मेरा स्टूडियो है। आपको एक बार मैं अपना फुली व्यू दिखा देता हूँ स्टूडियो का, सो आप देख सकते हो दिस इज माय स्टूडियो। आपको कैसा लगा आप जरूर से बताना एंड आप देख सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।